अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फिरतुहू। हमारे एक भाई ने सवाल किया था, यह अमूमन देखा भी है कुछ बरादरियों के अंदर, कुछ कौमों के अंदर, कि उनका जब लड़का पैदा होता है तो जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद फिर उसका खतना करते हैं। खतना मुस्तहब तरीका खतना करने का भी यही है कि सातवें दिन बच्चे का खतना कर देना चाहिए, और इसके अंदर फ़ायदा है। अमूमन आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है तो उसके अगर खतने हो जाएँ तो ज़ाहिर है कि उसको संभालना ज़रा आसान हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद, खतना होने के बाद, फिर उसको ज़ाहिर है कि ज़ख़म लगता है, फिर ज़ख़म के फैलने का अंदेशा होता है। तो इसलिए बच्चे को सातवें दिन उसका खतना कर देना ये मुस्तहब और सुन्नत अमल है। हाँ, अगर कोई सातवें दिन नहीं कर सकता किसी बिना पर, तो वो बालिग होने से पहले पहले बच्चे का खतना कर दे। अगर बच्चा बालिग हो गया, बालूगत को पहुँच गया, अब उसका अगर खतना नहीं हुआ तो अब वह बच्चा जो है ना, बच्चा क्या, उसके माँ बाप भी उस गुनाह के अंदर मुब्तला होंगे, गुनाहगार हैं वो। तो इसलिए बलूगत की उम्र जो है ना 18 साल 15 साल जो भी उम्र हो, उससे पहले पहले बच्चे को खतना कर देना चाहिए, और ये मुसलमानों की एक निशानी है मुसलमान होने की, क्योंकि ईसाई हैं, हिंदू हैं, और इसी तरीके से सिख हैं, और जो कौमें बरादरियाँ हैं ना जो इस्लाम से हट कर, वो अपने लड़कों का खतना नहीं करवाते। तो इसलिए मुसलमान होने के लिए भी ज़रूरी है कि लड़के का खतना होना तो सातवें दिन, वरना यह है कि बलूगत से पहले पहले, बलूगत के बाद अगर कोई करता है, हाँ कोई मजबूरी हो, बच्चा बीमार रहे, 18 साल तक कोई ऐसी बीमारी है, खतना करवाने का डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर वो मजबूरी की हालत के अंदर बड़ा होने का इंतज़ार किया जाए, वरना बिला वजह इंतज़ार करना बलूगत के बाद तक वक़्त का, यानी कि इंतज़ार करना, ये आदमी के लिए गुनाहगार होगा। तो इसलिए खतने के लिए बेहतरीन और मुस्तहब अमल यही है कि सातवें दिन, वरना उसको बलूगत से पहले पहले कभी भी किसी भी वक़्त उसका खतना कर देना चाहिए।